सुजानपुर टेहरा में वार्ड नंबर एक में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें शहरी इकाई प्रधान सुमन गुप्ता ने बताया कि भाजपा की स्थापना 1951 में जनसंघ के नाम से हुई थी और आज भाजपा के नाम से जानी जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि आने वाले 19 मई के चुनावों में बूथ स्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कड़ी मेहनत की जाएगी और हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर को भारी मतों से जिताया जाएगा। वहीं शशि राज महाजन ने बताया कि पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए बाढ़ के हर घर में जाकर पार्टी कार्यकर्ता दस्तक देगा और उन्होंने बताया कि विपक्ष द्वारा झूठी अफवाह में लोग ना फंसे और मोदी द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखकर वोट डालें, जिसको लेकर भविष्य में पार्टी कार्यकर्ता मोदी के द्वारा चलाई गई जनहित योजनाओं को लोगों के घर द्वार जाकर बताएगी। सर्वप्रथम स्थापना बीजेपी के नाम पे नहीं परंतु भारतीय जनसंघ के नाम पे हुई थी, वो हुई थी 1951 में। उसके बाद सभी दल मिलकर के काम कर रहे थे और कांग्रेस एकमात्र अकेली मजबूत पार्टी थी, परंतु जब 1977 में जब एमरजेंसी लगी तो उसके बाद बीजेपी ने ये एजेंडा खड़ा किया कि क्यों ना इस मौके पर हम एक अपनी पार्टी बनाए और 1980 में 6 अप्रैल 1980 में इसकी पूर्ण रूप से स्थापना की गई और तब से हम प्रत्येक वर्ष बीजेपी का स्थापना दिवस बड़ी हर्षोल्लास और खुशी से मनाए। जैसे कि आपको विदित है कि बीजेपी की वास्तव में स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी और उसी दिन से ये दिवस भारतवर्ष के हर बीजेपी की शाखा में बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और आज हम भी बूथ नंबर 12 में बूथ नंबर सॉरी 11 में एकत्रित हुए हैं इस दिवस को मनाने के लिए। और इस दिवस के दौरान मैं अपने सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आने वाला इलेक्शन जो कि 19 तारीख को निश्चित है, उसके लिए घर घर जाकर के सरकार द्वारा दी गई योजनाएं और जो जो लाभार्थी हैं जिनको लाभ सरकार से मिले हैं उसका खूब जोर शोर से प्रचार करें, ताकि 19 तारीख को जो मतगणना मतदान होगा उसमें अधिक से अधिक मतदान हो और हम इस बार फिर नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे और संसदीय क्षेत्र हमीरपुर से अनुराग ठाकुर जी को लोकसभा का सदस्य मनोनीत करके दिल्ली में जाएंगे। वैसे तैयारियां तो हमारी खूब जोर पर चली हुई हैं बूथ लेवल पे। इस बार जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है वो बूथ लेवल पे ही लड़ा जा रहा है और बूथ अध्यक्ष पन्ना प्रभु को हमने रीढ़ की हड्डी का दर्जा दिया है, इसलिए जो हमारा इलेक्शन हम विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। जो भी विकास मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है उसका हम प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि अगर विकास की बात की जाए तो कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा है जहां पर लोगों को और उस इलाके में विकास के काम ना हुए। इस अवसर पर मुकेश गुप्ता, बूथ अध्यक्ष शशिराज महाजन, बूथ पालक सौरभ गुप्ता, पन्ना प्रमुख सुधीर भटनागर, शहरी महासचिव सुमन गुप्ता, शहरी इकाई प्रधान संदेश चंदेल, कल्याण शर्मा, पन्ना प्रमुख संदेश चंदेल सहित अन्य कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सभी ने शपथ लेकर आने वाले लोकसभा चुनावों और अनुराग ठाकुर की जीत सुनिश्चित करने की शपथ खाई।